की जो बैठक विज्ञान भवन में हुई थी और किसानों की डिमांड पे जो उन बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, यदि आप में साहस है, यदि आप में दम है, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी बची है, तो 3 दिसंबर की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के किसानों को सामने दिखा दी जाए, पूरे देश को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए। देश का किसान इतना समझदार है कि वो अपने आप तय कर लेगा कि ये किसान नेता हमारे सच बोल रहे हैं या सरकार सच बोल रही है। जब सरकार बार बार हमें गुमराह करने का प्रयास करती थी तो सभी किसान नेता कहते थे कि ये किसान कौम है, किसान कौम, ये किसान कौम सिर्फ आगे बढ़ना जानती है, पीछे हटना नहीं जानती है। चाहे तो ये किसान कौम आगे जाएगी या दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी शहादत देगी, ये अपनी मांगों को पूरी कराए बिना वापस नहीं जाएगी। ये मैं आपको सारी अंदर की बातें बता रहा हूँ, तो कोई मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा, कोई सूत्र आपको नहीं बताएगा। तो जब कृषि मंत्री बार बार कह रहे थे कि मांगे तो पूरी, हमारे सामने बैठी हुई माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को हाथ जोड़ के और सिर झुका के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान, जय किसान। साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं। जो भी भाई, जो भी माताएं बहन, जो भी बुजुर्ग, जो भी नौजवान दिन में 3 वक्त की रोटी किसान के खेत की खाते हैं, वो सभी के सभी पंडाल में आके बैठ जाएं। जिनमें किसान का खून है वो तो हमारी बात को मानेगा, और भाई जो किसान के खेत की रोटी नहीं खाता उसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं, अभी चौधरी राकेश टिकैत जी को भी आना है, ये पंडाल आपके लिए लगाया गया है, बहुत मेहनत से लगा है, इसीलिए आप सारे के सारे एक एक करके पंडाल में जगह ले लीजिए, ये आपके बैठने के लिए है। साथियों, दोनों हाथ ऊपर करके पूरे मन से आपको जोरदार नारे लगाएंगे ताकि दिल्ली में बैठे हुए तानाशाहों तक आपकी आवाज पहुंच सके और उन्हें ये मालूम चल सके कि अब हिमाचल प्रदेश की क्रांतिकारी धरती पे भी किसान आंदोलन की आग पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में ये हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। तो एक बार जोरदार नारे दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबकी आवाज आनी चाहिए जी, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज आनी चाहिए।
किसान एकता जिंदाबाद, 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 जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, हम कोई किसान नेता या कोई प्रधान नहीं है, हम किसान समाज के मात्र एक छोटे से नुमाइंदे हैं। और मैं तो बार बार अपने साथियों को कहता हूं कि हमें इस उम्र में नेता या प्रधान मत कहा कीजिए, क्योंकि जब दिन में 30 बार 40 बार ये नेता और प्रधान शब्द बार बार सुनते हैं तो दिमाग में गर्मी हो जाती है और फिर जमीन में पैर नहीं रहते। अभी हमारी उम्र है संघर्ष करने की, काम करने की। तो यदि इस उम्र में आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से यदि अपनी गर्दन नीचे करके जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक संघर्ष करेंगे, उतना ही समाज आगे बढ़ेगा और समाज को, सामाजिक आंदोलनों को उतनी ही सफलता मिलेगी। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ना मैं कोई नेता हूं ना प्रधान हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका अपना हूं, आपके परिवार का एक सदस्य हूं। मेरे भाइयों, जो ये आंदोलन चल रहा है आज भारत के कोने कोने में, ये आंदोलन किसी किसान नेता या किसान संगठन का नहीं है, ये आंदोलन भारत के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, ये किसान समाज का आंदोलन है, ये आप सब का आंदोलन है और ये आपकी तप तपस्या त्याग मेहनत संघर्ष आंदोलन चल रहा है। हम मात्र आपके नुमाइंदे हैं, हम मात्र आपकी एक आवाज है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपके सभी नेताओं के बारे में, ये शायद अपने मुंह से ये बातें नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जब विज्ञान भवन में 11 दौर की बैठकें हुई तो सभी किसान नेता एक आवाज में, एक सवाल में सिर्फ एक बात कहते थे। जब सरकार बार बार हमें गुमराह करने का प्रयास करती थी तो सभी किसान नेता कहते थे कि ये किसान कौम है, किसान कौम, ये किसान कौम सिर्फ आगे बढ़ना जानती है, पीछे हटना नहीं जानती है। चाहे तो ये किसान कौम आगे जाएगी या दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी शहादत देगी, ये अपनी मांगों को पूरी कराए बिना वापस नहीं जाएगी। साथियों, एक बैठक की मुझे एक घटना याद आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार पूछ रहे थे कि भाई आपकी मांगे तो पूरी नहीं हो पाएंगी, कोई अन्य विकल्प बताइए। ये मैं आपको सारी अंदर की बातें बता रहा हूं जो कोई मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा, कोई सूत्र आपको नहीं बताएगा। तो जब कृषि मंत्री बार बार कह रहे थे कि मांगे तो पूरी नहीं हो पाएंगी, कोई और विकल्प बताइए, तो सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में कहा था कि सरकार के पास मात्र दो विकल्प है, सिर्फ दो विकल्प। पहला विकल्प यह है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, सरकार तीनों काले कानून वापस ले जो जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, और किसानों के लिए MSP गारंटी कानून लागू किया जाए। यदि सरकार हमारी दोनों मांगों को पूरा करेगी तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हाथ जोड़ के वापस चले जाएंगे। हमारी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस देश के भाईचारे के खिलाफ काम करेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसान समाज के खिलाफ काम करेगी, कोई भी पार्टी नौजवानों के खिलाफ काम करेगी, तो ये भारत का 135 करोड़ लोगों का समाज ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जड़ों को उखाड़ फेंक देगा, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को अपने देश में हम नहीं रहने देंगे। पहला विकल्प हमने ये दिया था उनको, और दूसरा विकल्प ये दिया था कि यदि सरकार हमारा दमन करना चाहती है, यदि सरकार अपना दम दिखाना चाहती है तो सरकार हमारी छाती में गोली मारे, सरकार हमारे सर पे लठ मारे, देश के करोड़ों किसानों का खून तो बहेगा लेकिन ये किसान समाज
किसी दूसरे का खून नहीं बहाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, आज जो किसानों के सामने जो जवान खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक परिवार के नहीं है, ये हमारे और आपके भाई हैं, ये किसानों के बेटे हैं, ये किसान परिवारों से ही हैं। तो मेरे भाइयों, किसान नेताओं ने वहां साफ कर दिया था कि ये किसान कौम ना झुकेगी, ना दबेगी, ना डरेगी, ना पीछे हटेगी, ना भिगेगी, ये किसान कौम आंदोलन जीत के ही वापस जाएगी। साथियों, कृषि मंत्री ने कुछ दिन पहले लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि ये किसान नेता ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। हम कहना चाहते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि तोमर जी, 3 दिसंबर की जो बैठक विज्ञान भवन में हुई थी और किसानों की डिमांड पे जो उन बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, यदि आप में साहस है, यदि आप में दम है, यदि आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी बची है, तो 3 दिसंबर की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के किसानों को सामने दिखा दी जाए, पूरे देश को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए। देश का किसान इतना समझदार है कि वो अपने आप तय कर लेगा कि ये किसान नेता हमारे सच बोल रहे हैं या सरकार सच बोल रही है। तो यदि साहस है कृषि मंत्री जी, तो झूठ बोलना बंद कीजिए और वह 3 दिसंबर की बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने लाइए। मेरे भाइयों, उस बैठक में एक एक करके इन कृषि कानूनों की सैकड़ों गलतियों को हमने सरकार के सामने बताया था और ना सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब था और ना ही सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब था। और उसी के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार संशोधन करने को तैयार है। मेरे भाइयों, एक बात बताइए, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, अनिंदर नौटियाल जी भी मैं देख रहा हूं पहले दिन से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई कानून नया बने और 6 महीने के अंदर सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हो जाए, सरकार ये कह दे कि भाई जितने बदलाव करने उतने कर लो, तो मेरे भाई बताओ, उस कानून में कुछ बड़ी गड़बड़ होगी, तभी तो सरकार संशोधन के लिए तैयार हुई है ना। आप एक बार हाथ ऊपर करके बताइए, आपका सहयोग और समर्थन बहुत जरूरी है। जब कानून काले हैं, जब कानून में गड़बड़ है, तभी तो सरकार ने कहा कि भाई संशोधन करने को तैयार है, अन्यथा वो सरकार के अधिकारी इतने अनपढ़ थोड़ी ना है कि बिना गड़बड़ के वो संशोधन को तैयार हो जाए। और एक बात, इतनी पवित्र धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से हम एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आप कहते हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं और किसानों को गुमराह कर रखा है, आप कहते हैं कि 2-3 राज्यों को छोड़ के बाकी किसान आपके साथ हैं, तो हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि मोदी जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, यदि ये कानून इतने अच्छे हैं, तो इन चुनावों में आप इन कानूनों के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? यदि ये कानून इतने अच्छे हैं, तो इन 5 राज्यों का चुनाव आप इन 3 काले कानूनों के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि इन 2-3 राज्यों को छोड़ के बाकी किसान आपके साथ हैं, तो एक बार इन कानूनों के मुद्दों पर वोट मांग के देखिए, आपको पता लग जाएगा। जब आपको हर जगह, हर सभा में ये भारत के करोड़ों किसान जब आपका घेराव करेंगे, जब आपको काले झंडे दिखाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि ये किसान समाज आपके साथ नहीं है, ये किसान समाज संयुक्त किसान मोर्चा और इस किसान आंदोलन के साथ है।
यदि प्रधानमंत्री जी आप में साहस है तो इस पवित्र धरती से इस आवाज को स्वीकार करके देखिए और एक बार इन कानूनों के मुद्दों पर वोट मांग के देखिए। साथियों, दो छोटी छोटी बात इन कानूनों के बारे में। समय का अभाव है, बहुत बड़े बड़े वक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी को भी आना भी है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, मुझे वो दिन याद है जब तानाशाही तरीके से राज्यसभा के अंदर ये कानून पास किए जा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके कहा कि ये कानून 14 साल पहले बिहार में लागू हुए थे और बिहार का किसान बहुत तरक्की कर रहा है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे आके कही। हमने उस दिन भी कहा था और आज भी ये बात कह रहे हैं, 2006 में जब से बिहार के अंदर सरकारी मंडी और सरकारी खरीद खत्म की गई तो बिहार का किसान खेती छोड़ के मजदूरी करने पे मजबूर हो गया है। मेरे भाइयों, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे बिहार के किसान भाई मजदूरी करने के लिए नहीं जाते। आपके हिमाचल प्रदेश में भी आते होंगे, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ बिहार के मजदूर भाई आते हैं नहीं आते, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ। सारे भाई आते हैं ना, उनसे पूछ के देखना मेरे भाइयों, बिहार में वे सारे के सारे चार चार पांच पांच एकड़ के मालिक हैं। हमारे हरियाणा या पंजाब का कोई 4 से 5 एकड़ का किसान किसी दूसरे राज्य में जाके मजदूरी नहीं करता। वहां के मजदूरी क्यों करते हैं? क्योंकि वहां सरकारी खरीद नहीं है। मक्का सरकारी रेट 1,850 रुपया क्विंटल बिकता है, 500 से 600 रुपया क्विंटल। आपकी मक्की यहां 700-800 रुपए क्विंटल में पिटती है या नहीं पिटती है मेरे भाइयों, बताओ। हिमाचल प्रदेश के भाइयों, पिटती है या नहीं पिटती है भाइयों? दूसरी बात, वहां पे कुछ दिन पहले तक तो धान की खरीदी शुरू भी नहीं हुई थी क्योंकि ना तो वहां सरकारी मंडी है और ना ही सरकारी खरीद है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी जिस मध्य प्रदेश से आते हैं वहां पे भाजपा की सरकार है और उस सरकार का पोर्टल है ई अनुज्ञा। हम सरकारी पोर्टल से डाटा बता रहे हैं मेरे भाइयों, कभी आप समझे कि अपने पास से कुछ बात बता रहे हैं। ई अनुज्ञा कहता है कि जब से ये 3 काले कानून जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे गए तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश की 269 कृषि मंडियों में से 47 कृषि मंडियों पर ताले लग गए हैं। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% खत्म हो गया है और वहां मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे भाइयों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब जियो कंपनी आई थी तो पूरे देश के लोगों को फ्री में इंटरनेट दिया था या नहीं दिया था? आप बताइए, फ्री में इंटरनेट दिया था या नहीं दिया था? और आज जब दूसरी कंपनियां या तो बंद हो गई या घाटे में है और देश छोड़ के जाने को तैयार है, चाहे बात करें वोडाफोन की, एयरटेल की, बीएसएनएल की, एमटीएनएल की, तो आज जब जियो की अकेली दादागिरी हो गई है तो जियो कंपनी का पैक सबसे महंगा है। तो यही होगा भाइयों, तो ये प्राइवेट मंडियां खोल रहे हैं, 1 साल 2 साल तक आपको ये मंडियां 10 रुपए ज्यादा देंगी और जब धीरे धीरे सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी, उनमें ताले लग जाएंगे तो उसके बाद ये बड़े बड़े व्यापारी अपना असली रूप दिखाएंगे। और एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के तो मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को और उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में मुख्यमंत्री मोदी जी ने लिखा था कि देश के किसानों के लिए MSP गारंटी कानून होना चाहिए।
तो मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, 7 साल आपको प्रधानमंत्री बने हो गए, आपके पास मौका है जो 5-10 साल पहले आप खुद कहते थे और जिस बात को आज देश के करोड़ों किसान मांग रहे हैं कि आप MSP गारंटी कानून दे दीजिए। लेकिन आप अपने अन्य वादों की तरह इस वादे से भी मुकर गए और आपका ये वादा भी जुमला साबित हो गया। साथियों, आपको एक छोटी सी बात MSP गारंटी कानून के विषय पे बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात। साथियों, अभी एक संगठन है OECD, 36 देशों का संगठन है, और हमारे देश का एक संगठन ICRER, वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि यदि पिछले 17 सालों में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने हमारे 80 करोड़ किसानों को वो MSP दिया होता जिसका वादा सरकारों ने किया था, तो देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलना चाहिए था। यानी आप सबकी जेब में 45 लाख करोड़ आना चाहिए था जो सरकारों की वादा खिलाफी के कारण नहीं आया। और ये मैं उस MSP की बात कर रहा हूं जिसका वादा सरकारों ने किया था। यदि बात कर ली जाए स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP की, तो ये आंकड़ा 45 लाख करोड़ से भी दुगना हो जाएगा, दुगने से भी अधिक हो जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे ऊपर सारा कर्जा, देश के 80 करोड़ किसानों के ऊपर टोटल कर्जा मात्र 10 लाख करोड़ का है। तो यदि इन्होंने वादा खिलाफी और धोखाधड़ी ना की होती तो आपके ऊपर एक भी पैसे का कर्जा नहीं होता, उल्टा 35 लाख करोड़ रुपया सरकारों को आपका देना पड़ता है। साथियों, जब मीटिंग के अंदर MSP गारंटी कानून के मुद्दे पे बात होती थी तो मंत्री और अधिकारी बार बार कहते थे कि आप नेताओं को भी जानकारी नहीं है, इतना पैसा कहां से आएगा। तो हमने सरकार से कहा कि यदि सरकार की नीति और नियत साफ हो जाए तो यह कोई बड़ा मसला नहीं है। मेरे भाइयों, गांव गांव में जाके बताइए कि पूरे देश में कृषि मार्केट 17 लाख करोड़ का है और आज कृषि उत्पादों की 14 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है। तो MSP गारंटी कानून के लिए मात्र 3 लाख करोड़ रुपए सालाना चाहिए, सिर्फ 3 लाख करोड़। और वो 3 लाख करोड़ कहां से आएगा, जो हमारी सरकार गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए हर साल 90,000 करोड़ का पाम ऑयल बाहर से मंगवाती है, उसे बंद कर दे। भाइयों, जो पाम ऑयल का आयात हमारे देश में होता है उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त गौतम अडानी। गौतम अडानी को हर लीटर पाम ऑयल पे 10 रुपए का फायदा होता है मेरे भाइयों। और इस तरीके के हथकंडे अपना के आज गौतम अडानी देश का दूसरे नंबर का अमीर बन गया है। तो यदि प्रधानमंत्री मोदी साहस दिखाएं और देश के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करें और वह 90,000 करोड़ का आयात बंद करें और देश के किसानों को कहें कि आप ये फसल उगाइए, सरकार आपसे खरीदेगी, उसके बाद 80,000 करोड़ की दाल बाहर से मंगवानी बंद कीजिए, 10,000 करोड़ का दूध पाउडर बाहर से मंगवाना बंद कीजिए, तो 2.5-3 लाख करोड़ तो इसी तरीके से हो जाएंगे, सरकार को अपनी तरफ से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं होगी और हमारे देश के करोड़ों किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बन जाएगा। मेरे भाइयों, एक अंतिम बात आपसे कहूंगा और खासकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अपने युवा नेताओं से, जो हमारे भाई हैं, दिल के बहुत करीब हैं, मैं उन सभी से एक हाथ जोड़ के अंत में एक निवेदन करना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं। और नौजवान भाई ये बात ध्यानपूर्वक सुने। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया में भारत के किसानों की जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है,
पूरी दुनिया के किसान चाहते हैं कि भारत का किसान यह आंदोलन जीते, हर कीमत पे जीते, क्योंकि मेरे भाइयों पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि यह भारत का जमींदार किस माटी का बना है। 300 से अधिक शहादत दे चुका है, दिल्ली के बॉर्डरों पे 4 महीने से भी अधिक से बैठा है, पूरी कड़कड़ाती ठंड निकाल दी और अब गर्मी आ गई, लेकिन उसके बावजूद ये गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है। ये पूरे तरीके से शांतिपूर्ण है, एक पत्ता नहीं टूटा, एक पत्थर किसी ने नहीं फेंका, तो पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार है क्योंकि आप शांतिपूर्ण है। ये आंदोलन अब तक इसलिए सफलतापूर्वक चल रहा है क्योंकि इस आंदोलन में क्या एक तरफ बुजुर्गों का होश है तो दूसरी तरफ नौजवानों का जोश है। मेरे भाइयों आप एक बात देखिए, बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्रकारी लोग हरियाणा में एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। ये लोग बीजेपी और आरएसएस के लोग हरियाणा में नौजवानों को उकसाना चाहते हैं, नौजवानों को भड़काना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए कुछ दिन पहले राजस्थान में भाजपा के गुंडों ने चौधरी राकेश टिकैत की गाड़ी के ऊपर हमला किया, उसके बाद एक हरियाणा की नेत्री ने, बीजेपी की नेत्री ने किसानों को बहुत अपशब्द बोले, रोहतक में लाठीचार्ज किया गया, बुजुर्गों के सर फोड़े गए, सिरसा में आज लाठीचार्ज किया जा रहा है, और ये जानते हुए कि जनता में इनका बहुत विरोध है उसके बावजूद ये बार बार जनता में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, नौजवानों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल तो इन्होंने हदें पार कर दी, जब पूरे हरियाणा से भाजपा साफ हो चुकी है तो उस समय ये भाजपा का स्थापना दिवस मनाने के लिए गांव गांव में जाते हैं। मेरे भाइयों ये उकसावे की राजनीति है। मैं भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बीजेपी या इनके सहयोगी दलों के नेता जब आए तो इनका घेराव करो, इनको काले झंडे दिखाओ, इनका हुक्का पानी बंद करो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो, इनको अपने घरों में चाय पानी मत पीने दो, लेकिन इनके साथ हाथापाई मत करो, उपद्रव मत करो। यदि हिंसा होगी तो अपने आंदोलन का नुकसान होगा और राजनेताओं को फायदा होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और मेरे भाइयों शांति बहादुरों का हथियार होती है, शांति बहादुरों का हथियार है और हिंसा कायरों का काम है। तो अपनी एक किसान कौम जो हमारी माताएं बहने जो शेरनी बैठी है, जो झांसी की रानी बैठी है, जो हमारे ये दीन बंधु छोटू राम बैठे हैं, बाबा टिकैत बैठे हमारे सामने, ये बहादुर कौम है, ये डरपोक कौम नहीं है, ये किसान कौम, ये बहादुर कौम है और बहादुर कौम ही शांति करती है। और सभी नौजवानों से ये खासकर निवेदन है कि जब आप स्टेज से बोले, जब आप माइक से बोले तो आपकी वाणी में शांति की बात होनी चाहिए, आपकी वाणी में जोश और जज्बे की बात होनी चाहिए। मेरे भाइयों आप आज के दिन आप कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, आज आप सिर्फ एक नाम नहीं है, आप में से हर किसी के पीछे हजारों लाखों नौजवान खड़े हैं, जो आपको YouTube पे देखते हैं, जो आपको Facebook पे सुनते हैं। आज आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप नेता हैं, आप समाज के आगू हैं। तो इसीलिए अंतिम बात ये कह रहा हूं कि जो भी मेरे भाई नौजवान भाई जब मंच से बोले तो उनकी हर बात में जिम्मेदारी वाली बात होनी चाहिए, उनकी हर बात में शांति और आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। तो समय ज्यादा ले लिया उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, माफी मांगता हूं, और फिर से पूरी कमेटी का जिन्होंने आज ये आयोजन किया, इतना भव्य कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत बधाई। अनुशासन को देख के कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं,
थोड़ी सी और दो पंक्तियां आपके सामने बताना चाहता हूं, आपके जोश और जज्बे को देख के, कि अब हिमाचल में भी आंदोलन आ गया है तो मोदी साहब से एक बात कहना चाहते हैं कि आहटें फिर से आने लगी हैं। आपके जोश को देख के आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें सुख भुगाने लगी हैं, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी हैं। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी टकमगाने लगी हैं, देखना एक आंधी उठेगी, चीटियां घर बनाने लगी, चीटियां घर बनाने लगी हैं। और मोदी जी, जब ये किसान कौम की आंधी उठेगी ना, तो इसकी आंधी में तो बड़े बड़े तानाशाहों के तंबू खड़ गए, तो ये मोदी सरकार तो क्या चीज है। अंत में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगा दो, हर किसी की आवाज आनी चाहिए और हर किसी के दोनों हाथ ऊपर उठने चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु कहा जी का।